नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं पार्थ पथ चैनल से बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि हमने जब विंडो इंस्टॉल की है, हमारे सिस्टम में गूगल क्रोम नहीं है, तो हम उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। उसके लिए बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, आपका नेट चलना चाहिए, इंटरनेट लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर। तो आपने क्या करना है, इंटरनेट एक्सप्लोर है, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके बाद मैं इसमें गूगल सर्च करूँगा, ऊपर एड्रेस बार में तो मैं गूगल डाल देता हूँ। पहले इसको हटाऊँगा, उसके बाद गूगल डालूँगा। अब इसमें मैं नीचे डालूँगा क्रोम। तो क्रोम मैंने डाल दिया है और सर्च करूँगा। तो आपने देखा, जो पुराने लैपटॉप होते हैं डेस्कटॉप, उनके अंदर आजकल ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि वो हार्डवेयर जो होता है कंपैटिबल नहीं होता, तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ता है, तो इसमें कोड डालना पड़ता है। तो हम सर्च करते हैं, मान लो कि आपके लैपटॉप के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि क्रोम डाउनलोड नहीं है, तो आपने क्या करना है, मोजिला डाउनलोड कर लो। मोजिला, फिर आप मोजिला के द्वारा गूगल क्रोम डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने मोजिला डाउनलोड कर रहा हूँ, ये डाउनलोड हो गया, हमने डाउनलोड के ऊपर टिक कर दिया और ये हमने सेव करना है, उसके बाद रन करना है, फिर सेव कर दिया। अभी आपने देखा ये डाउनलोड हो गया। तो दोस्तों, कुछ जो पुराने लैपटॉप होते हैं डेस्कटॉप, उनमें ये इंटरनेट क्रोम जो है डाउनलोड नहीं होता है, तो आपको मोजिला डाउनलोड कर लें या तो ओपरा डाउनलोड कर लो, ये चल जाते हैं। जो लेटेस्ट डेस्कटॉप है उनके बारे में तो ये पूछता नहीं है कि आपको, ये पुराने जो होता है ओल्ड वर्जन, उनके लिए वेरीफाई करता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हमारा जो है मोजिला डाउनलोड हो रहा है, कैसे हम गूगल नहीं डालता तो कैसे क्रोम हम डालते हैं, क्रोम नहीं डालता तो हम कैसे मोजिला डालते हैं, और हम कैसे इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। कुछ साइट होती है उसमें आपको कैप्चा डालना पड़ता है, अगर कैप्चा मांगते हैं तो अपने कैप्चा डाल देना, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाता है, एक बार सिस्टम को वेरीफाई करता है। अब आपने 1 या 2 मिनट वेट करना है जब तक ये डाउनलोड हो। और दोस्तों, जो लोग नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं उनको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से वो ये क्रोम मोजिला डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में, छोटा सा लिंक होता है, वहाँ से आपको उसमें वेरीफाई करना होता है, को कैप्चा डालकर फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमारा जो है मोजिला डाउनलोड हो गया है और ये हमारा डेस्कटॉप पर आ गया। तो इसके द्वारा भी हम नेट यूज़ कर सकते हैं, उसके द्वारा हम फिर गूगल क्रोम डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका इंटरनेट एक्सप्लोर से नहीं होता है। तो हम इसमें गूगल डालेंगे, गूगल, क्योंकि विंडोज 7 में कुछ जो पॉलिसीज हैं माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दी हैं, जिसके द्वारा ये मांगते हैं। जैसे ये साइट खुल रही है तो हमने क्रोम डाल दिया। क्रोम पर हमने टिक कर दिया, जो पहली ही साइट होती है इससे क्रोम डाउनलोड हो जाता है, तो आपने इस पर टिक कर देना है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोर जो है बंद कर दिया, इसलिए वो डाउनलोड नहीं कर पा। जैसे ही आ गया तो हमने डाउनलोड पर टिक कर दिया, एक्सेप्ट डाउनलोड इंस्टॉल।
तो दोस्तों आप लोगों ने सीखा कि हम कैसे गूगल क्रोम डाउनलोड करते हैं, अगर इंटरनेट एक्सप्लोर भी नहीं डाउनलोड करता है तो हमने इसको कैसे डाउनलोड किया। आपने देखा ये डाउनलोड हो गया, इसके बाद क्या करना है, अपने इसको रन कर देना है, बस इजी है। तो दोस्तों प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, कि आपकी इसमें हेल्प हुई है नहीं हुई। दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद होता है मेन यही होता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हमने इसको करना है ओपन कर दिया और हमने इसको अब रन करना है। ये जब डाउनलोड किया है तो ये आपके जो यूज़र अकाउंट होता है उसके डाउनलोड फाइल के अंदर ये जैसे ही आ गया ये क्रोम, तो यहाँ पर हो गया। यहाँ से आप डबल क्लिक करके सेटअप चला सकते हैं जैसे मैंने ये कर दिया, और अभी इसको यस करना है। तो दोस्तों ये तो था हमारा जो है क्रोम इंस्टॉल हो रहा है, आपने वेट करना है 2 या 3 मिनट, उसके बाद अगर नेट फास्ट है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं स्लो है तो ये वेट करोगे। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।